छतों पर टंगे स्पीकर, चार नेताओं के भाषण और चार नेताओं के ट्वीट के बीच देश में अजान और हनुमान चालीसा के बहस चल रही हो, उस बीच नोएडा की यह तस्वीर देखने लायक है। नोएडा के बांस बल्ली मार्केट में रामनवमी की शोभा यात्रा का स्वागत करते ये लोग मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। तस्वीर उस आम आदमी के लिए जरूरी है जिसके घर के एक तरफ अजान वाला लाउडस्पीकर लगा हुआ है और दूसरी तरफ हनुमान चालीसा वाला। नोएडा की तस्वीर ये जरूर दिखाती है कि नफरत के बयानों के दौर में इंसान में मोहब्बत जिंदा है कहीं पर। देश के तमाम स्थानों पर रामनवमी शोभा यात्राओं के दौरान हुई हिंसा की तस्वीरों को तमाम जगहों पर दिखाया गया है, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं जो मीडिया के कवरेज से बाहर रही हैं। ये तस्वीरें सकारात्मक हैं। मध्य प्रदेश की तस्वीरें, उत्तर प्रदेश की तस्वीर और कई इलाकों की तस्वीर भी। उपद्रव, विवाद और उन्मादी भाषणों के बीच मुस्लिम धर्म के लोगों के शोभा यात्राओं के स्वागत करने और हिंदुओं के रोजेदारों की मदद करने, आम आदमी के एक दूसरे के साथ खड़े होने की तस्वीरें आज भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। सियासत के नफरती होने के दौर में आपसी सौहार्द की ये तस्वीरें दिखाना जरूरी है। जरूरी है ये दिखाना कि हिंदुस्तान का आम आदमी एक दूसरे के साथ कैसे रहता है। जिस मुल्क ने 2 साल तक कोरोना की त्रासदी का वक्त देखा है, जिस देश ने ऑक्सीजन की कमी के वक्त बिना जात पात देखे लोगों की मदद की है, जिस हिंदुस्तान में उस्ताद बिस्मिल्ला खान ने गंगा और बाबा विश्वनाथ को सुनाने के लिए शहनाई बजाई हो, उस हिंदुस्तान के लिए ऐसी तस्वीरें सनद है ये याद दिलाने के लिए कि भारत प्रेम का देश है, राष्ट्र की भावना का देश है, अपनों के साथ खड़े होने वाले लोगों का देश है।